दर्शकों सादर नमस्कार सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन में अतिथि आचार्य के रूप में मैं डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधो पालिनी या चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो वर्णरूपा वैखरीवर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकर नमो दिव्य महादेव्य महा शिवाय सतत नम नम प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणता स्मता दर्शकों केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से अतिथि आचार्य के रूप में हम आज आपको नवरात्र पर्व के बारे में बताते हैं नवरात्रीण इति नवरात्र अर्थात नव दिन जो कि तीन दिन माँ महाकाली के और तीन दिन माता लक्ष्मी के और तीन दिन माता सरस्वती के लिए समर्पित हैं हम लोग इन नवरात्र व्रतों में कोई लोग एक भक्ते न, अथवा कोई लोग पूरे नवरात्र भर उपवास रहते हैं केवल लवंग के जोड़े में उपवास रहते हैं तो भक्तों के सामर्थ्य पर यह बात निर्भर करती है कि आपको जो नवरात्र का व्रत करना है नौ दिन का करना है अथवा कई लोग केवल अष्टमी का व्रत लेते हैं कई लोग नवमी का तो यह नवरात्र पर्व नव दिन का है और दसवें दिन में पारणा की जाती है इस नवरात्र में हमको माँ भगवती जगदम्बा का एक घट स्थापन करना होता है माता की मूर्ति उसमें हम लेते हैं वह मूर्ति धातु की हो या अन्य पदार्थ की बनी हुई उसका हम स्थापन करते हैं कलश में सप्तधान्य सबसे नीचे रख करके उसके ऊपर कलश का स्थापन करते हैं यह कलश भी मिट्टी का हो अथवा रजत का हो स्वर्ण का हो ताम्र का हो या पीतल का हो यह कलश भी नाना प्रकार के हो सकते हैं अपने सामर्थ्य से उनको रखना है उसमें सर्वौषधि गण हम डालते हैं सुपारी डालते हैं पीली सरसों डालते हैं इसको सिद्धार्थ भी कहते हैं और लौंग इलायची डालते हैं इस प्रकार से हरिद्रा को भी सर्वोषधि गण में सम्मिलित किया गया है सर्वोष यह सर्वोषधि गण हुआ तो इसको साथ में डाल के फिर पांच पल्लव आम के पत्ते डाल करके पूर्ण पात्र लगा के श्रीफल स्थापित करके माँ भगवती की हम आराधना करते हैं आवाहन करते हैं वरुण देवता का और इसमें माँ भगवती जगदम्बा का प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयचंद्रघेती कूष्मांडेती चतुर्थक पंचम स्कंदमाते ष्ठं कात्यायनी चप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकर्ति तो ये माताएँ नवदुर्गा और दश महाविद्याएं यही माता दश महाविद्याओं का रूप भी धारण करती हैं तो नवरात्र में हमें माँ काली के जो तीन दिवस और माँ लक्ष्मी के तीन दिवस सरस्वती के तीन दिवस इस प्रकार से नव दिन होते हैं यद्यपि नित्य ही महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का पूजन होता है इसमें हम अखंड दीपक भी स्थापन करते हैं वह दीपक बुझना नहीं चाहिए अथवा कुछ लोग दीपक केवल पाठ के समय तक अथवा पूजा के समय तक चलने वाला दीपक रखते हैं यह भी एक विधान है यद्यपि अखंड दीपक रखना नव दिनों तक जो जलता रहे प्रज्वलित होता रहे यह सर्वोत्तम है दीपक ज्योतिर परम ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनहा दीपो हर तुम्हें पापम पूजा दीप नमोस्तुते यह अग्नि साक्षी होता है अग्निदेव जो है हमारी पूजा का साक्षिता देते हैं गवाही देते हैं कि इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से यह पूजा की और माँ भगवती दुर्गा अग्नि रूपा ही है विद्युत दाम सम प्रभाम मृगपतिस्कंधस्थिताषणाम तो जो विद्युत के समान ही माँ भगवती का वर्ण है तामग्निवर्णाम तपसा ज्वलंतीम कर्म कर्मफलेश जुष्टाम वेद में उनको अग्निवर्णा ही कहा गया है तो ऐसी माँ भगवती जगदम्बा जब हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो प्रथम चरित्र माता काली का आता है तो यह सप्तशती का पाठ प्रथम चरित्र में माँ काली का मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी जी का जो दूसरा तीसरा और चौथा अध्याय आता है और उत्तम चरित्र में माता सरस्वती का पाठ होता है तो यह पांचवें अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय तक इस प्रकार से हम सप्तशती में पहले कवच अर्गला और किलक का पाठ करते हैं उसके बाद दिव्यथर्व शीर्ष का पाठ आता है नवारण मंत्र का जाप करते हैं ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे यह मंत्र माता का नवारण मंत्र है इसका जप करना चाहिए और न्यास करने चाहिए यह न्यास जो है देवी के जो मूल मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा आदिन्यास अंगन्यास सब हमें करने होते हैं करके यह पाठ करना चाहिए तो माँ सरस्वती के चरित्र त्रयोदश अध्याय जब संपन्न हुआ फिर पुनः न्यास करते हैं देवी सूक्त का पाठ होता है और अंगन्यास होता है और फिर उसके बाद तीन रहस्य रहस्य त्रय तीन रहस्य होते हैं उनका पाठ हमें करना चाहिए तो इस प्रकार से नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ का सप्तशती का तात्पर्य है सात सौ श्लोकों का जहाँ माता की महिमा का वर्णन किया गया है तो यह सप्तशती के रूप में महामनु ने कहा है यह पाठ भक्तों के जीवन में जो कामनाएं हैं उन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है जयंती मंगला काली भद्रकाली काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते माता के रूपों को प्रणाम किया गया है माँ भगवती अपने भक्तों का समस्त इष्टफल देने वाली है सर्वप्रथम सप्तश्लोकी में ही यह बात कही गई है भगवान शिव कहते हैं देवी भक्त सुलभे सर्वकार्यधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपाय ब्रूही यत्नता माँ भगवती भगवान शिव से कहती हैं कि यह जो सप्तशती यह सप्तश्लोकी है यह कलयुग में भक्तों को सर्वाभीष्ट फल प्रदान करने वाली है ज्ञानी नाम पर देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति यह महामाया भगवती जीवों को मोह में डाल देती है पंछी स्वयं भूखे रह करके अपने बच्चों के लिए अपने मुख में कण ला करके अन्न का दाना ला करके उसको खिला देती है लोभात प्रत्युपकार यह प्रत्युपकार के लिए मोह उनके अंदर अपने आप भूखे रह करके अपने बच्चों को दाना खिलाना यह महामाया भगवती की कृपा से ही जीव को यह मोह माँ भगवती प्रदान करती है यह बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का भी आकर्षण कर देती है ज्ञाना चेता देवी भगवती सा बलात् बलात्कृष्य मोहाय महामाया प्रय्छती फिर भगवती को कहा गया है hmm. दुर्गे स्मृता हरसी भीतिमशेषजनो स्वस्थ स्मृता मतिमतीशुभासी hmm. दारिद्र्युखय त्वदन्या सर्वोपकार करण चित्ता माँ भगवती सदैव अपने भक्तों के प्रति दयालु रहती है और वह समस्त दैत्यों का शत्रुओं का वध कर देती हैं नवरात्र में माँ भगवती का हमें जो पूजन करना चाहिए तो वह गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबुल आदि समर्पण करके माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए और सप्तशती का पूर्ण पाठ हो जाए तो यह सर्वोत्तम है यदि हम पाठ को संस्कृत में न भी कर सकें तो उसके हिंदी अनुवाद हैं और अन्य भी भाषाओं में अनुदित हो चुकी है दुर्गा सप्तशती तो इसका हमें पाठ करना चाहिए यह सप्तशती नवचंडी के रूप में शतचंडी के रूप में सहस्र चंडी के रूप में और लक्ष चंडी के रूप में हमारे सामने यदि नौ पाठ करते हैं तो नवचंडी हुआ और सौ पाठ करते हैं तो शतचंडी कहलाती है एक हज़ार पाठ यदि विद्वानों के द्वारा किए जाते हैं तो वह सहस्र चंडी याग कहलाता है और यदि एक लाख पाठ होते हैं तो लक्ष चंडी याग कहलाता है तो इस प्रकार से हमें माँ भगवती के नवरात्र में नवों दिन माँ भगवती की उपासना कलश में माँ भगवती का आवाहन करके महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती माता के तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए और उनका स्मरण हमारे लिए हमारे जीवन में पाप ताप संताप को नाश करने वाला होता है माँ भगवती आप लोगों को सब प्रकार से आनंद प्रदान करें ओम नमः चंडिकाय